हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 3 ट्रांसड्यूसर्स में लाउडस्पीकर के बारे में जानकारी लेंगे। लाउडस्पीकर, इट इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के जो टाइप्स हैं उसमें एक्टिव ट्रांसड्यूसर टाइप में लाउडस्पीकर आता है। इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर्स। अब जब हम ट्रांसड्यूसर के डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज भी होती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर्स का ग्रुप है, उसमें हम लाउडस्पीकर को लेते हैं। इट इज बेसिकली कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। तो आपको ये बात याद रखनी है, लाउडस्पीकर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट अपोजिट फंक्शन टू दैट ऑफ माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर। माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर क्या है वो हमने देखा है। तो जो माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर है उसका जो वर्किंग है, उसके अपोजिट वर्किंग लाउडस्पीकर का होता है। The loudspeaker normally uses moving coil mechanism. तो यहाँ पे moving coil mechanism use किया जाता है। और यहाँ पे ये जो diagram है, ये इस तरह से loudspeaker का construction होता है। अब हम इसका basic principle देखेंगे। When an alternating current is passed through a coil placed in a strong magnetic field, it starts vibrating along with diaphragm producing sound wave by means of air vibrations. तो जब हम alternating current pass करते हैं इस voice coil में से, तब यहाँ पे एक strong magnetic field produce होती है और उसके वजह से यहाँ पे vibrations create होने लगते हैं। तो यहाँ पे actually होता क्या है कि ये जो coil है वो वाइब्रेट होनी स्टार्ट होती है और इस कॉइल के साथ ही जो डायफ्राम है वो भी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करने लगता है और वो जो साउंड वेव्स है वो एयर वाइब्रेशंस होती है। यानी कि यहाँ से जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है वो एयर वाइब्रेशंस के स्वरूप में होता है। टाइप्स ऑफ लाउड स्पीकर, डायनामिक टाइप, मैग्नेटिक टाइप, क्रिस्टल टाइप एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। तो लाउडस्पीकर इस चार टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। पॉपुलर टाइप ऑफ लाउडस्पीकर इन रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्ड सिस्टम इज डायनामिक टाइप। तो मैक्सिमम जगह पे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उन डिवाइसेस में डायनामिक टाइप लाउडस्पीकर यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे ये लाउडस्पीकर की डायग्राम है। तो अब हम सबसे पहले मेन पार्ट्स क्या होते हैं इसके वो देखेंगे। वॉइस कॉइल, तो यहाँ पे ये जो बीच में का पार्ट है ये है वॉइस कॉइल, जो यहाँ पे आपको कॉइल जैसा पार्ट दिख रहा है। परमानेंट मैग्नेट, तो वॉइस कॉइल के आगे यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट लगाया हुआ होता है। फ्रेम, ये जो बाहर का यहाँ पे पार्ट है वो है फ्रेम। योक, इस फ्रेम को यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल कनेक्ट किया गया है ये है योक। डस्ट कैप, यहाँ पे सबसे ऊपर डस्ट कैप है। स्पाइडर, तो यहाँ पे ये है स्पाइडर। डायफ्रेगम यानी कि पेपर कोन, तो ये है यहाँ पे पेपर कोन। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, अ वॉइस कॉइल इज मेड अप ऑफ फ्यू टर्न्स ऑफ वायर suspended in between magnetic poles. It is a moving element to which paper cone is attached with the help of spider. ये जो voice coil है ये wires के कुछ turns होते हैं और ये voice coil जो है वो magnet के poles के बीच में, यानी कि वो जो magnetic poles है, ये जो यहाँ पे permanent magnet है उसके poles के ऊपर लगाई हुई होती है। It is a moving element to which paper cone is attached with the help of spider. तो ये जो voice coil है, ये एक moving element है इस loudspeaker का, जिसको यहाँ पे spider के जरिए attach किया जाता है और वो paper cone को attach की हुई होती है, यानी कि paper cone के नीचे होती है और spider से उसको attach किया हुआ होता है। और ये
इस मैग्नेट के ऊपर सस्पेंडेड है, यानी कि पूरी चिपकाई हुई नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर होती है। द स्पाइडर इज नेसेसरी टू प्रोवाइड स्प्रिंग एक्शन टू द कॉइल एंड द डायफ्राम। तो ये जो स्पाइडर है ये एक तरह से स्प्रिंग जैसे काम करती है, उसी तरह से काम करता है। अ पेपर कोन इज मेड अप ऑफ स्पेशल पेपर नॉर्मली ब्लैक इन कलर कॉल्ड एज डायफ्राम। इट वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ विद द वॉइस कॉइल। तो ये जो पेपर कोन है उसको हम डायफ्राम बोलते हैं और नॉर्मली वो ब्लैक कलर का होता है। डस्ट कैप इज यूज टू कलेक्ट द डस्ट ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ डायफ्राम। इट क्रिएट्स एयर वाइब्रेशन विच इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ अ साउंड विद ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये जो डस्ट कैप है वो डस्ट कलेक्ट करने के लिए लगाई हुई होती है और यहाँ पे डायफ्राम के वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और उसके वजह से यहाँ पे एयर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, यानी कि हमें साउंड सुनाई देता है और ये जो साउंड होता है वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी का होता है, यानी कि जो भी हम ओरिजिनल साउंड जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी का साउंड देते हैं उसका एग्जैक्ट रेप्लिका होता है जो साउंड हमें एयर वाइब्रेशंस के जरिए सुनाई देता है। पेपर कोन इज कोरिगेटेड एट आउटर साइड एंड इट इज फिक्स्ड अप ऑन द फ्रेम ऑफ लाउड स्पीकर। इनर साइड ऑफ द पेपर कोन इज अटैच्ड टू द वॉइस कॉइल। तो यहाँ पे ये जो पेपर कोन है उसकी जो ये आउटर साइड है वो फ्रेम को अटैच की हुई होती है और जो इनर साइड है वो वॉइस कॉइल को अटैच की हुई होती है। अब इसका वर्किंग कैसा है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन रेडियो टीवी और टेप रिकॉर्डर इज अप्लाइड थ्रू एम्पलीफायर टू द वॉइस कॉइल ऑफ द लाउड स्पीकर। तो यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ब्लू कलर में वो आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो एम्पलीफायर के जरिए वॉइस कॉइल तक जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल। यहाँ पे ये जो कॉइल है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन होती है। फिक्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन होती है तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इस परमानेंट मैग्नेट पे। अ मैकेनिकल टॉर्क इज डेवलप्ड ऑन द कॉइल और उसके वजह से इस वॉइस कॉइल पे मैकेनिकल टॉर्क डेवलप होता है। द वॉइस कॉइल इज अटैच्ड टू द पेपर कोन एंड इट प्रोड्यूस एयर वाइब्रेशंस इन फ्रंट ऑफ इट व्हिच इज डिजायर्ड साउंड एनर्जी। तो ये जो वॉइस कॉइल है ये इस पेपर कोन को अटैच होती है और यहाँ पे एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमें जो लगने वाली साउंड एनर्जी है वो होती है। तो इस तरह से ये जो डायनामिक लाउड स्पीकर है वो वर्क करता है। तो ये आपको यहाँ पे ये जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स है उसके जरिए इसका वर्किंग याद रखना है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफायर के जरिए वॉइस कॉइल को जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन होती है कॉइल में और फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है परमानेंट मैग्नेट पे और उसके वजह से मैकेनिकल टॉर्क डेवलप होता है कॉइल पे और फिर ये जो वॉइस कॉइल है वो पेपर कोन के जरिए एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी डिजायर्ड साउंड एनर्जी है। इस तरह से पूरा लाउड स्पीकर वर्क करता है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।